तो आइए हाजिर हैं आपके साथ फिर से कुछ और पीवाईक्यू के साथ, जिसमें आज हमने पीवाईक्यू लिए हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो पहला फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है, अमंगेस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन आउटर मोस्ट सेल इज। किसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अमोनिया 5 अपने, 3 हाइड्रोजन के 8 हैं। एल्युमिनियम 3 अपने, 3 क्लोरीन 6 हैं, यानी एक मिल गया। बेरिलियम खुद के 2, 2 क्लोरीन के 4, ये भी मिल गया। कार्बन के 4 अपने, 4 क्लोरीन के 8 हैं, ये भी नहीं है। फॉस्फोरस 5 अपने, 5 क्लोरीन के 10, यानी इस पर भी ज्यादा है। तो कितने मिले? 3। तो ऑप्शन हुआ आपका 3। ठीक है, सेंट्रल एटम और उसने जो उससे अटैच्ड एटम है उन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर किए हुए हैं उनको जोड़ के देख लीजिए, जो 8 से कम हो ज्यादा हो उनकी काउंटिंग करनी है। ये क्वेश्चन है बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट भी है कि PO43- किसकी बात हो रही है यहाँ पर। PO43- में कहा है फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड पीओ बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली आर। पीओ बॉन्ड ऑर्डर कहा है और आपसे चार्ज कहा है, तो टोटल चार्ज देखिए कैसे निकालते हैं फॉर्मूले में। कि टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा -3/4, क्योंकि इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 4, ठीक, टोटल नंबर, और आपका ये है, तो ये आएगा आपका माइनस में 0.75। अब उसने कहा है पीओ बॉन्ड के लिए, जब आप पीओ बॉन्ड ऑर्डर, पीओ का जो है क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे यहां पर, कि पीओ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने बॉन्ड बने हुए हैं देखो ध्यान से, टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे आपके? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, क्योंकि एक पी का जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से रहेगा, बाकी तो 4 है ही है। टोटल बॉन्ड 5 बने, ठीक है, कितने? 4 एटम के लिए जो शेयर हुए हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो 1.25। तो ये जो रेंज आई निकल करके, ये माइनस से लेके प्लस तक की आई, जो मैच कर रही है आपकी किससे? फर्स्ट ऑप्शन से आपकी मैच कर रही है। क्लियर? इसको निकालना आपको आना चाहिए, कहीं से भी कैसे भी कंपैरिजन करके क्वेश्चंस दिए जा सकते। यहां पर देखिए, यहां कहा है आपसे कि अमंग द LiCl, BeCl2, BCl, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एल आई के बाद बीई है, और बीई के बाद आपका बी है, और उसके बाद आपका कार्बन है। और जब हम किसी पीरियड की बात करते हैं ऐसे, तो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है हमारी इंक्रीज। जब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपकी शेयरिंग कैपेसिटी यानी कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड पूछे हैं तो देखो ऑब्वियसली है, यहाँ पर एल आई सी एल है, ठीक, सबसे पहले एल आई सी एल आएगा, उसके बाद बी सी एल टू, सी सी एल फोर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। उसने पूछा था कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर ऑर्डर ऑर्डर जो फॉलो हो रहा है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ एक ही है, यहाँ 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 4 बनेंगे। वैसे भी आप बड़े सिंपल तरीके से इसको लगा सकते थे, मतलब इजी क्वेश्चन दिया हुआ था ये आपका पीवाईक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। ठीक है, देखो इसमें पहला थोड़ा हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, और दिख रहा है, मैंने देख लिया पीछे, यहां पर फॉस्फोरस है, इसकी मैक्सिमम जो आपकी शेयरिंग कैपेसिटी है वो 5 की है, 4 बने हुए हैं प्लस 1 चार्ज के साथ, बड़े आराम से ये करेक्टली रिप्रेजेंट है। OF2 बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट है। यस, एन में 1, 2 और एक डेटिव बॉन्ड, यानी ये भी करेक्टली रिप्रेजेंट है। लेकिन यहाँ कार्बन पर अगर आप नोटिस करेंगे, एच सी, एक डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, एस्ट्रिक्स इस पर लगा देता हूं, क्या ये कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हुआ? ये कार्बन कैसा हो गया? पेंटावेलेंट हो चुका। और कार्बन होता है क्या पेंटावेलेंट? कार्बन तो हमारा कैसा होता है? टेट्रावेलेंट होता है। इसलिए ये वाली जो प्रेजेंटेशन है वो क्या थी? गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस
एनर्जी। ठीक है, देखो हमने पढ़ा है एक रूल्स, यहां देखिए एनायन सब में सेम है लेकिन कैटायन सबसे छोटा कैटायन सोडियम है, तो इसकी एंथैल्पी सबसे क्या होगी, हाई होगी। ऑब्वियसली बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है, तो सबसे लेटेस्ट हाई एंथैल्पी जो आपकी आ जाएगी NaF की आ जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि Na का साइज क्या है आपका, छोटा है, Na का साइज स्मॉल है इन सभी में। सिक्स में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, ऐसा कौन सा है इनमें से जो आपका क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। मैं आपसे बता दूं ये बाई मिस्टेक प्रिंट में गलती है, ये Sb Cl3 नहीं Cl5 है, क्लियर। तो देखो यहां पर पहले वाले ऑप्शन में भी गलती है भाई, ये वाला ऑप्शन भी एक मिनट में चेक कर लूं बुक से अपनी, ये भी कुछ और ही लिखा हुआ था, NOCl2 है। तो देखिए यहां 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 अगर आप सब जगह चेक करेंगे तो आपको पोलैरिटी क्रिएट दिखाई देगी, लेकिन एक जगह अगर मैं आपको Sb की स्ट्रक्चर बताऊं तो देखो इस पे 5 Cl तो लगेंगे आपके ट्राइगोनल प्लेनर में, आपको पता है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और एक अपसाइड द प्लेन है और एक डाउन साइड द प्लेन है, ये जो अपसाइड और डाउन साइड वाले ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आ गया जीरो। बाकी आप इसमें इसमें इनमें किसी में भी चेक करेंगे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा स्ट्रक्चर बनाने के बाद, तो जिसमें जीरो आ गया वही कैसा हुआ, नॉन पोलर हुआ, क्योंकि उसने पूछा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, है ना, कौन होते हैं मतलब कौन सा है, आपको तो हमने बताया कि कौन होते हैं, उसने पूछा था कौन सा है। एक और क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ऐसा कौन सा इनमें से सेट है जो जीरो डाइपोल मोमेंट है। सबसे पहले अमोनिया लिख दिया, गलत हो गया, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, कितना होता है आपको मालूम भी है, 1.47, जिसे हम 1.5 डीबाई भी लिख देते हैं। बोरोन ट्राई फ्लोराइड जीरो होता है, सही है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का जीरो नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड का जीरो नहीं होता, ठीक है, बेरिलियम डाई फ्लोराइड का क्या होता है, आप इसने कहा था ना, यहाँ भी गलत हो गया, क्लियर, ये दोनों ही ऑप्शन है इसमें, तो बोरोन ट्राई फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जीरो है साहब, बेरिलियम डाई फ्लोराइड का जीरो है साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या है जीरो है, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का भी क्या है जीरो डाइपोल मोमेंट है। मैं इनकी स्ट्रक्चर भी आपको सबकी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात हो रही है BCl3 की, लीजिए ट्राइगोनल में बन गई, जीरो डाइपोल मोमेंट अभी बात कर रहे थे। BeCl2 की लीनियर है, जितना बॉन्ड इधर को उतना ही बॉन्ड इधर को, जीरो हो गया डाइपोल मोमेंट। फिर आ जाइए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्लियरली जीरो है, जितना बॉन्ड आपका इधर को उतना ही इधर को, म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब पहुंचे आप इस पर बेंजीन वाली स्ट्रक्चर पर 1,4 में, तो देखो यहां जितना उतना ही कहां 4 पर, ये भी डाइपोल मोमेंट क्या है जीरो है, तो सिर्फ ये सेट एक ऐसा है जिसमें सभी के डाइपोल मोमेंट जीरो है। ऐसे किसी और क्वेश्चन के साथ भी वो लगा सकता है, इनमें से मॉलिक्यूल हटा दे कुछ और लगा दे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि करेक्ट ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, देखिए BF3 NF3, ठीक है, बोरोन, ये सबसे ज्यादा, इन अगर सभी मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो आपको मालूम है 1.87 डीबाई जो है वो वाटर का होता है, क्योंकि उसमें दो लोन पेयर होते हैं, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, ठीक, यहां पर भी एक लोन पेयर है, यहां एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल में देख लेते, तो BF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो तो होता है जी जीरो, ठीक। NF3 की बात कर लेते हैं, NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है 0.25 डीबाई। फिर NH3 की बात कर लेते हैं, जिसको अभी लिख रहे थे, NH3 का डाइपोल मोमेंट होता है 1.47 डीबाई, और जो H2O है इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.87 डीबाई। हमने सभी की वैल्यू लिख दी, अब सबकी वैल्यू लिख दी तो ऑटोमेटिक ही किस में अरेंज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं, और ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है, ये जिस पे मैंने B पे टिक किया था उसी में मिल रहा है आपको, है ना, और कहीं लगाओगे तो डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसे यहाँ देखो यहीं पर डिसऑर्डर हो गया, यहाँ हो गया,
यहां तो उसको सबसे कम बता दिया जो सबसे ज्यादा होगा। जी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो एंगल कितना रखती है, 120 रखती है। बहुत कॉमन सा एकदम बेसिक साधारण एक हलवा टाइप का क्वेश्चन है, BCl3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। आपने बहुत बार किया है, मतलब ये तो गिफ्ट गिफ्ट मान लो आप अपने लिए, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहां पर एग्जाम में तो गिफ्ट है ये आपके लिए। कहा गया है कंसिडर द मॉलिक्यूल, ये तीन मॉलिक्यूल CH4NH3H2O कंसिडर करने हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। पढ़ते हैं, HOH बॉन्ड एंगल इन H2O स्मॉलर देन दिस, बिल्कुल होता है भाई, ये वाला 107 होता है, वो 104 होता है, बात सही लिखी हुई है। HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 लार्जर देन NH, बिल्कुल सही बात है, ये 109 होता है, ये 107 होता है। HCH पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, कभी सोचो पॉइंट छोड़ दिए क्या, पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ। HCH बॉन्ड एंगल इन दिस एंड एंगल इन दिस H बॉन्ड एंगल H2O आर ग्रेटर देन 90, जी बिल्कुल ग्रेटर होते हैं दोनों 90 से, एक होता है 104.5, एक होता है 107.5, एक होता है 109.5, तो सारे के सारे 90 से ग्रेटर हैं, तो ये भी बात सही है। उसने क्या कहा था, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ कौन सा है, तो बचा आप सबसे लास्ट, यही होगा फॉल्स, है ना, चेक कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिना चेक करे बताएंगे। देखो कहा है ये सिंगल है ऐसे, एच ओ एच बॉन्ड एंगल इन H2O इन H2O इज लार्जर, अच्छा ये तो होता है 10.5 और ये होता है आपका जो इसमें होता है 109.5, तो लार्जर कौन, ये कहाँ लार्जर है, ये तो स्मॉलर है, तो ये वाला सेंटेंस आपका क्या है इसमें रॉन्ग है, इसको आप बड़े आराम से पहचान सकते थे अगर ध्यान से पढ़ते, और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि तीन चार लाइनें याद करवा देगा आपको और बॉन्ड एंगल के रिलेशन में कि किस किस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम, मैक्सिमर नहीं है वो, मैक्सिमम है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, CO2 का 0 होता है, NH3 का 1.47 होता है, CH4 का 0 होता है, NF3 का 0.25 होता है या 0.24 होता है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आपका किसका है, इस वाले ऑप्शन का है यार, ये सी लगा रखा है 9-11 में, ये ध्यान से देख लेना, मैंने तो वैल्यू लिख दी क्योंकि मुझे ये ABCD गलत लग रही है, क्लियर, ये ABCD ऊपर नीचे हो सकती है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो वैल्यू लिख करके काम कर दिया इसका, खत्म। जी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, इसमें कहा गया है द करेक्ट ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, टिक CH, C सिंगल बॉन्ड O, CC, C डबल बॉन्ड O, ये होंगे, तो ये चार है, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक CH है, एक C सिंगल बॉन्ड O है, और एक आपका CC है, और एक C डबल बॉन्ड C है, तो इसने आपसे पूछा है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए, तो देखो आपको पता ही है CH में सबसे कम होगा, फिर उसके बाद डबल आएगा, CH के बाद CC डबल आएगा, ये बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, बॉन्ड लेंथ ही तो पूछी है ना, देखो ये रही, तो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग ही आएगा, फिर क्या है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन में होगी, और शायद ऐसा कारनामा आपके पहले ही एग्जाम्पल में हो, मतलब पहले ही ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन ए नंबर इसका जो है वो करेक्ट जाएगा, जब भी ऑप्शन दें रीजन के साथ दें तो आपकी क्या है बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, जब क्वेश्चन इन पर चेंज होते हैं ना बच्चों, फिर आप उस समय उस एबिलिटी में रहते हैं कि ये क्वेश्चन आप कर सकें। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस लोवेस्ट एनर्जी और SO3, SO3 की इसमें स्ट्रक्चर बनाई है, ये भी थोड़ा सा अच्छा आपको दिख रही है, फिर भी बहुत ज्यादा धुंधली है, मुझे भी सही से नजर नहीं आ रही, तो इसमें डी स्ट्रक्चर में बता दूं आपको कि S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये बनाया गया है आपका, ठीक है, तो इसने पूछा है हेंस द लोवेस्ट एनर्जी, तो सबसे ज्यादा लोवेस्ट एनर्जी SO3 की इसी स्ट्रक्चर में होगी, क्यों, देखो यहां हर जगह सिग्मा और हर जगह पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर, तो यहां पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी में ये आपका आ जाएगा स्टेट में, सबसे ज्यादा सारी SO3 की स्ट्रक्चर है SO2 की और SO3 की,
तो सबसे ज्यादा इसी में आएगी। ये बॉन्ड मल्टीपल ऑर्डर पर भी आपने बात पढ़ी है, जब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होने लगती है आपकी, इंक्रीज होती है, ये आपने पढ़ाई है। इसमें कहा है करेक्ट ऑर्डर इन ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग, ठीक है, ट्राई एटोमिक स्पेसीज, ये ट्राई एटोमिक स्पेसीज है सारी आप देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए क्या है। देखिए सबसे पहले जो स्पेसीज है हमारी, मान लीजिए एक एक स्पेसीज को बना देते हैं, एन है, ठीक है, जब एन आपका ओ टू के साथ है इस तरह से, क्लियर, और यहां पर आपका लोन पेयर और विद निगेटिव चार्ज है, तो यहां बॉन्ड एंगल बनाता है ये आपका 115 डिग्री। दूसरी स्ट्रक्चर एक आपकी नॉर्मल एन ओ टू की है, जिसमें आपका लोन पेयर के साथ कैसा रहता है, एडिटिव बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ रहता है ऑक्सीजन, और यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाता है आपका 134। अच्छा खासा एंगल पर क्वेश्चन दिया है। पॉजिटिव जब होता है तो पॉजिटिव में क्या होता है ना बच्चों, बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे हो जाती है, और यहाँ पर प्लस चार्ज भी रहता है, ठीक है, और आपको मालूम है इस पर कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। अब यहाँ तो बॉन्ड एंगल 180 हो गया, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में आया आपका, पॉजिटिव वाले में, सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है बॉन्ड एंगल किस में आया, पॉजिटिव वाले में, और पॉजिटिव वाला एक ही ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन तो यही करेक्ट हो गया, और वैसे भी मैंने वैल्यू रख दी, वैसे भी चेक कर लीजिए यही आएगा, क्लियर। यहाँ तो और अच्छी बात है, जहाँ एक की एमसीक्यू को देख करके, मतलब एक ही पॉइंट को देख करके आपका काम चल जाए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड है लेंथ, सीओ बॉन्ड लेंथ, सीओ सीओ थ्री और सीओ टू, ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक आपका CO3 प्लस के साथ है, और एक आपका नॉर्मल CO2 है, यही है, हाँ जी यही है। इसमें आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, देखो मैं आपको बताऊं, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर को आप कैसे याद करेंगे, जो आपका मॉलिक्यूल है ना यहाँ पर, एक तो दो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है CO और CO2, इनमें बॉन्ड लेंथ इसमें कम रहेगी, इसमें ज्यादा हो जाएगी, ठीक, और सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा वहां हो जाती है जहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सबसे कम वहां हो जाती है जहां निगेटिव चार्ज आ जाता है लोन पेयर की वजह से। तो ये तो ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो गया, अरे नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं लगाया भाई इसने, यहाँ पर गलत लगा रखा, निगेटिव होता है सीओ थ्री पर, कौन ही आरवा लगाने लगा, ठीक है, सीओ थ्री पर टू निगेटिव, तो वहां तो सबसे ज्यादा आ जाएगी आपकी बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो इसका आपको जो ऑर्डर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो सीओ टू बॉन्ड लेंथ आपकी जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल रहेगा, यहां भी तो दोनों साइड में डबल रहेगा, तो ऑब्वियसली आपकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पर आपका एक सिंगल विद निगेटिव और ये वाला डबल के साथ रहता, तो और ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा बैठेगा, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ऐसे ही फिर हम कल की क्लास में भी 15 आज लिए हैं, हो सकता है कल ज्यादा लें, इस तरह से कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आपके लिए डालते रहेंगे अब सभी चैप्टर से।